अस्सलाम वालेकुम, आई एम इफ्तिखार एंड आई एम कंसल्टेंट एट चिल्ड्रन प्योर। आज हम किसी नफ्सियाती बीमारी के बारे में नहीं बात करेंगे, आज हम कोई मेंटल डिसऑर्डर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मेंटल डिसऑर्डर्स या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एक बड़ा डरावना वर्ड इस्तेमाल किया जाता है और लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि इस तरह के वर्ड्स ना इस्तेमाल किए जाए या हमें ऐसी किसी सिचुएशन में ना हम जाएँ जहाँ पर हमें साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को जो है वो विजिट करना चाहे। तो इसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम रोक सकते हैं सब किस्म की जहनी बीमारियों को होने के, या किस तरह से हम अपनी जहनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, उसमें आपका हेल्दी लाइफ स्टाइल आ जाता है। हेल्दी लाइफ स्टाइल स्टार्ट होता है कि पहले आपने ये सीखना है कि आपने स्ट्रेस कम से कम लेनी है। ज़िंदगी में मुश्किलात बहुत सारी आती है, ज़िंदगी में चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उन चैलेंजेस से सीखें, ना कि उससे डिसअपॉइंट हों। तो इसलिए अगर आपको कहीं मुश्किल फेज आ रहे हैं लाइफ में, तो दिस इज़ अ चैलेंज फॉर यू। उससे नई चीज़ें सीखें, उससे अपने स्किल्स को इन्हांस करें, जो कि आपके फ्यूचर आने वाले लाइफ में आपको एड ऑन कर रही होती है। जितने अच्छे स्किल्स आपके पास होंगे, उतना अच्छा आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। देन लाइफ स्टाइल में आ जाता है कि आपकी क्या ऐसी हैबिट्स हैं, कौन सी हेल्दी हैबिट्स हैं, कौन सी अनहेल्दी हैबिट्स हैं। अनहेल्दी हैबिट्स की मैं बात करूँ तो जो लोग लेट सोते हैं उन लोगों को ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो अपनी नींद बेहतर करें ताकि आपको किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, किसी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े। देन हमारे अनहेल्दी एक्टिविटीज़ में आ जाता है कि हम बहुत सारी चीज़ों की टेंशन ले रहे होते हैं, उसमें हमारा काम है, उसमें हमारी जॉब है, उसमें हमारी एजुकेशन है, और हम अपने आप को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, हम अपना ख्याल रखना नहीं शुरू करते। तो जब आप अपने आप को निगलेक्ट कर रहे होते हो, तो वहीं से हम मसाइल को जो है वो वेलकम कर देते हैं। पुराने ज़माने की बात करें तो अगर हम भी अपने बचपन की बात करें, तो जब हम घर में अपने नानी नाना दादी या दादी दादा के पास होते थे, तो अक्सर नानियाँ आपको बुला लेती थी और पास बिठा लेती थी और आपके बालों में जो है वो ऑयल का मसाज करना शुरू कर देती थी। वो इतना सूदिंग होता था कि कई कई घंटों, आधा घंटा, एक घंटा आपका वो मसाज कर रहे होते और आप बड़ा रिलैक्स फील कर रहे होते। साइकोलॉजिकली हमें उससे एक कनेक्शन की फीलिंग मिलती है, और साइंस प्रूव दैट कि आपकी जो एनर्जीज होती है वो वन बॉडी टू अनदर बॉडी स्विच कर रही होती है। तो अब जब आपकी नानी या दादी, आपकी मदर आपको मसाज करती थी, तो वो बड़े दिल से करते थे, तो उनकी जो पॉजिटिव एनर्जीज होती थी वो उनके मसाज के साथ आपकी बॉडी में पेनिट्रेट कर रही होती। सेकेंडली, जब आप किसी भी हेयर ऑयल का मसाज करते हैं, तो एक्चुअली वो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको तेज़ कर देता है। जब आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होता है, तो आप एनर्जेटिक, फोकस, हैप्पी फील करना शुरू कर देते हो। तो इसलिए हम जितना हम एडवांस हो गए, जितने हम मॉडर्न हो गए, हमने वो सारी चीज़ें छोड़ दी। अब हमारे पास अक्सर माएँ आती है और कोई शिकायत कर रही होती है कि जब हम बच्चियों को या बच्चों को कहते हैं कि ऑयल लगाएं या ऑयलिंग करें, तो उनको बड़ा बुरा लग रहा होता है कि अच्छा ये कि आप तकिया में उसी बातें कर रहे हैं। तो एक्चुअली साइंस प्रूव दैट कि सिर्फ अगर आप कल मसाज करते हो, आप अपने सर में ऑयल लगाते हो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा, तो आप एंगजाइटी जैसे मर्ज से बच सकते हैं, आप डिप्रेशन जैसे मर्ज से बच सकते हैं, आपका मूड में अगर इरिटेबिलिटी है वो कम हो सकती है। तो आज से इस वीडियो देखने के बाद अपने हफ्ते में चाहे एक दिन डिसाइड करें कि कोई भी नेचुरल ऑयल ले लें, बट कोशिश करें कि वो प्रोसेस्ड वन ना हो। जैसे हमारे यहाँ अक्सर मार्केट में आपको प्रोसेस्ड ऑयल्स वगैरह मिलते हैं, तो उनका बेनिफिट तो होता होगा, बट उतना बेनिफिट नहीं होता है जितना कि नेचुरल एंड ऑर्गेनिक ऑयल का आपको बेनिफिट होता है। तो आपको जो पसंद है, रेंज ऑफ ऑयल्स होती है, आप उसमें से ऑयल अपना पसंद करें और अपनी स्कल्प को एक दफ़ा हफ्ते में ज़रूर मसाज करें। उससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज होती है। जिन लोगों को स्ट्रेस हेडेक होती है, उन लोगों के लिए भी हेड मसाज इज रियली वेरी गुड। तो कोई भी ऑयल पकड़े, उसको अपने सर में लगाएं और अच्छी तरह से उसको मसाज करें, आप खुद महसूस करेंगे कि उससे आपकी तबीयत जो है वो बेहतर होगी और आप मोर एनर्जेटिक होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।